असेक्सुअलिटी क्या होती है, मतलब जिसको सेक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा ये क्या होता क्या है, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। असेक्सुअलिटी मतलब सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसे 2% लोग हैं, 2% पॉपुलेशन की जिनको सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं? क्योंकि एकाध बार ऐसा हो गया कि आपने किसी के साथ में शादी कर लिया और वो लड़की जो है वो असेक्सुअल है, तो आपकी तो वाट लग गई। तो इसके लिए शुरू में रिलेशनशिप में रहना, बातचीत करना, ये बहुत जरूरी है, एक दूसरे को पहचानना, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि भाई वो असेक्सुअल है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उसके कुछ लक्षण है, नंबर एक कि वो व्यक्ति को सेक्स में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी इंटरेस्ट उसको सेक्स में नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी नहीं है, मतलब कोई सेक्सुअली अट्रैक्टेड चीज उसने देखी तो उसको ऐसा उसके तरफ देखने की इच्छा नहीं होती, या कोई मतलब लड़की जा रही है तो लड़के को इच्छा नहीं होगी, लड़का जा रहा है तो उसके साथ में बातचीत करना या कुछ अट्रैक्ट हो जाना, ऐसा वो लड़की को भी लगेगा नहीं। क्रशेज जो होते हैं वो बिल्कुल डेवलप नहीं होते, क्रश मतलब कि एक ऐसी बहुत इच्छा बात करने की, या एकदम पिघल जाना, या एक अलग अंदर से ऐसे महसूस हो जाना, एक अलग सा फीलिंग आ जाना सामने सेक्स पोजिटिव सेक्स देख के, ऐसा क्रशेज जो डेवलप होते हैं वो डेवलप लोगों में होते नहीं। प्यार की या सेक्स की बातें करते हैं तो इनको कुछ उसमें स्टिमुलेशन नहीं आता है, कुछ एक्साइटमेंट उनको नहीं आते हैं। ये लोग लुक्स के तरफ ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, ऐसे मतलब कोई ज़्यादा कोई ऐसा स्मार्ट दिखने में लगेंगे या ऐसा लोगों ने अपने देखना चाहिए, ऐसा इनको कुछ लगता नहीं है। सेक्स के बारे में या रिश्ते के बारे में जब बात करते हैं तो ये बात उनको पसंद नहीं आती, ऐसा किसने कॉन्वर्सेशन चालू किया था, ये लोग बाजू हो जाते हैं या अपना ख्याल और कहीं लगा देते हैं, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट आता नहीं है। तो ये असेक्सुअल के लक्षण है। असेक्सुअल लोग जो है वो शादी भी नहीं करना चाहते, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसके कारण अनेक हो सकते हैं, एक तो ये जेनेटिक ही है, मतलब भाई बचपन से पैदा हो गए तो ऐसे ही हो गए, नंबर एक। नंबर दो, हो सकता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, और सेक्सुअल अब्यूज़ होने के बाद में मतलब लैंगिक अत्याचार हुआ, और तब से उनको एक घृणा जैसी हो गई सेक्स के तरफ, ऐसा भी हो सकता है। नंबर तीन, हो सकता है कि उन्होंने प्राइमल सीन देख लिया, प्राइमल सीन मतलब माँ बाप का सेक्स करते वक्त का सीन देख लिया, तो उनको एकदम डर बैठ गया, और सेक्स मतलब कुछ तो भी माँ भयंकर है ऐसा कुछ हो गया ना, उनका इंटरेस्ट पूरा का पूरा चले गया। ऐसे कारण हो सकता है, कोई पिक्चर में देख लिया कि कोई रेप होते हुए देखा है, ऐसा कोई पिक्चर देखा तब से ऐसा उनको लगा, एक्चुअली बलात्कार होते हुए देखा है, या घर के और किसी व्यक्ति के ऊपर बलात्कार करके देखा हुआ है, मतलब ऐसा हो सकता है। अभी एक लड़के को मैंने तरफ, एक लड़का आया था, उसका कुछ भी इंटरेस्ट ही नहीं था, उसको मतलब पता नहीं क्या, उसके मैंने सेशंस लिए, काउंसलिंग सेशंस लिए, जब वो काउंसलिंग सेशन में 2-3 बार आया तो चौथे सेशन में वो खुल गया। चौथे सेशन में उसने ये बोला कि एक बार उसको उल्टी हो गई स्कूल में, तो स्कूल में उल्टी हो गई तो वो जल्दी वापस आया, अनएक्सपेक्टेडली जल्दी आ गया, तो उसने उसके माँ को और कोई आदमी के साथ में देखा, और तब से उसको बहुत ही माँ भयंकर ऐसा ये हो गया कि उसको चक्कर आने लगी, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो और अचानक से आ गए वो दोनों, फटाफट बाजू हो गए, वो आदमी फटाफट निकल गया, और उसको कोई समझ में नहीं आ रहा है, उसके माँ ने उसको डांट दिया कि तेरे पापा को बोलेंगे तो देख, और बहुत माँ भयंकर हुआ, तब से उसका सेक्स के बारे में डर बैठ गया, और तब से उसका इंटरेस्ट चले गया, और फिर बड़ा होने के बाद में उसका इंटरेस्ट ही नहीं, पहले डर था अभी इंटरेस्ट नहीं। ऐसे कुछ ना कुछ बातें होती रहती है और उससे ये असेक्सुअलिटी तैयार होती है। असेक्सुअल से शादी किया तो दूसरा पार्टनर जो है वो तकलीफ में आ सकता है, इसलिए पहले से ही आपने देखना चाहिए, क्योंकि असेक्सुअल है लड़की और आप शादी कर रहे हो जबरदस्ती पेरेंट्स ने बोला करके, या लड़का असेक्सुअल है शादी हो रही है क्योंकि माँ बाप ने बहुत प्रेशर किया करके, और फिर दूसरे की ज़िंदगी इसमें ख़राब हो जाती है। तो कभी भी अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालने के पहले देखना है कि वो उनको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है क्या, वो प्रेशर के जरिए बोलते नहीं है और बाद में उनका सब सत्यानाश हो जाता है शादी का। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।